हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 30s रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे शेयर होती रेसिपी को लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो है वो क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपको हर एक रेसिपी का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक स्ट्रीट फूड जो है पनीर टिक्का। आजकल स्ट्रीट फूड में बहुत ही अच्छे से पनीर टिक्का बिक रहा है और लोग बहुत ही अच्छे से वो खा भी रहे हैं। तो पनीर टिक्का आज हम घर पे बनाएंगे, बहुत ही मजेदार, स्पाइसी और ठंडियों में मजा आ जाए ऐसा। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम जितना पनीर और जिसे मैंने थोड़े छोटे पीस में कट कर लिया है। डाइसेस आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, साइज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो 250 ग्राम पनीर, उसके साथ लिया है एक मीडियम साइज का रेड कैप्सिकम, स्लाइसेस किए हुए ऑनियन। मुझे ऑनियन के डाइसेस चाहिए तो मैंने वो हिसाब से डाइसेस कर लिए हैं ऑलरेडी और हर एक लेयर को मैंने अलग कर दिया है। उसके साथ येलो कैप्सिकम छोटा वाला, वो भी एक शेप के हिसाब से, आपके पनीर के शेप के हिसाब से आपको डाइसेस करनी है। उसके साथ लेना है थोड़े बहुत स्पाइसेस, जिसमें बहुत ही तीखा होना चाहिए, इसीलिए मैंने यूज किया है 1 चम्मच जितना मिरी पाउडर, आधा चम्मच है गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच जितना नमक है और साथ ही में लेना है रोस्टेड चना बेसन, सॉरी रोस्टेड बेसन है जिसे 2 चम्मच लिया है और उसे मैंने ड्राईली रोस्ट कर लिया है। और उसके साथ है लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और 1/4 कप जितना दही। फ्रेंड्स, अभी हमें सारी चीजों को मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद बेल पेपर मतलब कैप्सिकम, ऑनियन और पनीर के साथ हम सारी चीजों को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो ये मैंने 1/4 कप जितना दही लिया है और थोड़ा सा खट्टा दही है, आपके पास जैसे भी अवेलेबल हो वैसा दही आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ हल्दी 1/4 टीस्पून जितनी, धनिया जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हम थोड़ा सा तीखा ज्यादा करेंगे और उसका कलर भी इतना ही अच्छा रेड आना चाहिए, इसीलिए मैंने 2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर यूज किया है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है तो तीखा इतना नहीं होगा लेकिन कलर इसका बहुत ही अच्छे से आएगा। नमक, चाट मसाला, गरम मसाला और मिरी पाउडर, हम सारी चीजों को एक साथ ही इकट्ठा ऐड कर देते हैं। साथ ही मैं ऐड करेंगे 2 चम्मच जितना रोस्टेड बेसन। बेसन को रोस्ट करते समय कुछ भी ऐड नहीं किया है, ड्राई रोस्ट ही करना है और उसी के साथ ऐड करेंगे हम 1/4 चम्मच जितना नींबू का रस। बहुत ज्यादा नींबू का रस नहीं ऐड करना है, हम थोड़ा सा ही नींबू का रस ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका दही अगर खट्टा नहीं है तो थोड़ा सा ज्यादा आप नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हमने सारे मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और दही को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस इसके अंदर अभी ऐड करेंगे हम सारे वेजिटेबल्स, ऑनियन, कैप्सिकम, रेड बेल पेपर और पनीर। पनीर को हम लास्ट में ऐड करते हैं, पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हर एक वेजिटेबल्स पे इसका कोट होना जरूरी है, तो
तो एक बार अच्छे से कोट हो जाए तब तक हम मिक्स करेंगे। और साथ ही में ऐड कर देंगे हम पनीर। पनीर ऐड करने के बाद बहुत हमें मिक्स नहीं करना है, लेकिन इसके ऊपर कोट होना जरूरी है। तो पनीर ऐड करने के बाद हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि पनीर टूट ना जाए। ऐसा होता है खाना बनाते समय, लेकिन इट्स ओके। हमने सारी चीजों को मिक्स कर लिया है और अच्छे से ये कोट भी हो गया है, मैरिनेट होने के लिए रेडी है हमारा। तो इसे अभी हम ढक के 15 से 20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं मैरिनेट होने के लिए। फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है मैरिनेट होने के बाद, हम इसे अभी ऐड करेंगे स्टिक के अंदर। स्टिक लिया है मैंने और उसे अच्छे से वॉश कर लिया है और मेरे पैन के हिसाब से मैंने कट भी कर लिया है। आपका पैन अगर छोटा है तो आप वो हिसाब से बड़ी छोटी स्टिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे कैप्सिकम का पीस, उसके बाद ऐड करेंगे हम ऑनियन का पीस, उसके बाद येलो कैप्सिकम। लेयर्स आप अपने हिसाब से अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि पनीर के आगे और पीछे वेजिटेबल्स होने चाहिए, नहीं तो पनीर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और वो टूट जाएगा। अभी हम उल्टा लेयर बनाएंगे, येलो कैप्सिकम, ऑनियन और रेड कैप्सिकम। वापिस एक पनीर का पीस एंड अगेन कैप्सिकम एंड ऑनियन। ये काम तो बच्चे भी बहुत ही शौक से करेंगे, लेकिन आगे का एज जो है वो बहुत ही ध्यान रखने के लिए बोलिए बच्चे लोग को, जो बच्चे करने बैठे अगर ये काम तो आप उसके ऊपर ध्यान जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स हमारी ये स्टिक रेडी हो गई है, ऐसे ही सारी स्टिक रेडी करेंगे। तो फ्रेंड्स सारे पनीर टिक्का को मैंने ऐड कर दिया है स्टिक के अंदर और रेडी है अभी ये सेलो फ्राई होने के लिए। तो सेलो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है, इसको हम रोस्ट करेंगे ऑयल और बटर दोनों ही चीज के साथ। ऑयल ऐड करेंगे, और साथ ही में ऐड करेंगे हम एक चमची जितना बटर। सारे पैन को हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल और बटर के साथ। एक चम्मच बटर काफी है अभी, अगर हमें बाद में जरूरत पड़ी तो और ऐड करेंगे। और जैसे ही गर्म होता है ऑयल और बटर तो उसके ऊपर हम रख देंगे हमारा पनीर टिक्का का स्टिक। फ्रेंड्स गरम हो गया है, इसके ऊपर ऐड करते हैं हम पनीर टिक्का का स्टिक और अच्छे से इसे घुमाते हुए रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखनी है बिकॉज हमें कैप्सिकम और ऑनियन को कुक करना है, तो थोड़ा स्लो आंच पे ही हम इसे रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स अभी एक मिनट के बाद इसे टर्न करते हैं तो आप देख सकते हैं मसाला जो है वो अच्छे से चिपक रहा है इसके ऊपर ही, तो बस इसे हम टर्न करते हुए हर एक साइड को
रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स वापस हम टर्न कर लेते हैं और गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो है जल्दी से जल्दी अच्छे से कुक हो जाए। फ्रेंड्स अराउंड 15 से 20 मिनट हुए हैं और अब देख सकते हैं हर एक साइड अच्छे से ब्राउन हो गई है और क्रिस्प भी हो गई है अच्छे से। तो बस ये हमारी स्टिक जो है वो रेडी है, पनीर टिक्का हमारा रेडी है। सर्व करते हैं इसे। पनीर टिक्का को निकालेंगे प्लेट में। रेडी है हमारा गर्मा गर्म पनीर टिक्का, बहुत ही टेस्टी दिख रहा है। मैं तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करने वाली, गर्मा गर्म मैं इसे सर्व करूंगी, मैं इसे खाऊंगी। आप भी बनाइए और आप भी खाइए। देखते रहिए मेरा चैनल तैतीस रेसिपी और प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको, प्लीज मुझे बताइए।